राजधानी देहरादून में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राज्यों के जिलाधिकारी द्वारा चुनाव सूची पुनरीक्षण को लेकर के कार्य शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका के द्वारा वोटर लिस्ट निरीक्षण वाहन को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका सिंह ने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, इसी को लेकर मतदाता सूची में जो लोग अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं उसके लिए बाकायदा सभी BLO को दिशा निर्देश दिए गए हैं। वह लोग बूथ पर बैठकर सभी मतदाताओं की वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण करेंगे और मतदाताओं के नए वोट बनाने के लिए भी कार्य करेंगे। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका सिंह ने कहा कि जो भी BLO मौके पर उपस्थित नहीं पाए जाएंगे उसके विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अब क्योंकि पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, एडिशन डिलीशन या कोई चेंजेस कराने हैं अगर अपने वोटर कार्ड में, तो पूरा कार्य अभी चल रहा है। हमारी BLOs जो है वो अपने अपने बूथ पे बैठी हुई हैं, तो जो भी हम मेरा सभी से जो भी वोटर्स हैं और जो भावी वोटर्स हैं 18 से 19 साल के, वो बूथ पे जाके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। और डोर टू डोर भी हमारा सर्वे चल रहा है और हम मैक्सिमम वोटर्स एनलिस्ट हो जाएँ उसकी हम कोशिश कर रहे हैं।